अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूं मैं आप लोगों के लिए। नाम है लोग क्या कहेंगे। हम सब यूजुअली उन चीजों से डरते हैं जिनके बारे में हमारे जहन में होता है कि लोग क्या कहेंगे। जैसे अगर कोई भी कोई बैड डीड कर रहा हो, किसी ने किसी के घर से कोई चीज चोरी करनी हो, तो वो इस बात पे डरेगा कि अगर मैं पकड़ा गया तो लोग क्या कहेंगे। किसी को धोखा देना है, किसी के साथ झूठ बोलना है, तो फौरन जहन में आता है कि अगर इस बात का किसी को पता चल गया हमारे बारे में तो लोग क्या कहेंगे। यानी अल्लाह का डर बाद में आता है, लोगों का डर पहले आता है। लोगों की नाराजगी, लोगों की पसंद, लोगों की चाहत, लोगों को अच्छा लगना, लोगों को बुरा लगना, ये सब चीजें हमारे पेशे नजर हैं। अल्लाह को ये बात बुरी लगेगी, ये किसी को परवाह इतनी नहीं होती जितनी पहले ये बात आती है जहन में कि लोग क्या कहेंगे। और आपको पता है लोग क्या कहेंगे? लोग आपके सामने आपको अच्छा कहेंगे, पीठ पीछे बुराई करेंगे, खुशामद करेंगे और क्या करेंगे, झूठी तारीफें करेंगे, हसद करेंगे, गीबत करेंगे। और हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग यही कहेंगे और करेंगे जो उन्होंने करना है और जो उनका काम है। खालिक का खौफ दिल से निकाल कर मखलूक का खौफ दिल में बसाया हुआ है कि अगर मैं ये काम करूंगा या ये काम नहीं करूंगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कोई इवेंट है घर में या कोई तकरीब है तो लोग क्या कहेंगे, बारात है तो लोग क्या कहेंगे, किसी के घर किसी तकरीब पर तोहफा लेकर जाना है तो लोग क्या कहेंगे, कपड़े कौन से लेने हैं, कौन से पहनने हैं, लोग क्या कहेंगे, घड़ी पहननी है, ज्वेलरी लेनी है तो लोग क्या कहेंगे। हर तरफ एक ही आवाज है और वो ये है कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप अपने घर में कोई सा भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसमें बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं और दिल से काम कर रहे हैं और बहुत अपनी जान लगाकर हर चीज को अरेंज कर रहे हैं, तो लोग फिर भी खुश होने वाले नहीं है। उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट फिर भी नजर आ जाएगा जो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि लोगों की नापसंद और पसंद को छोड़कर ना अपनी चॉइसेस को आगे रखा जाए, अपनी सहूलत और अपनी पहुंच के मुताबिक हर काम किया जाए ताकि खुद को मेंटली रिलैक्स रखा जाए। क्योंकि अगर आप टोटली लोगों की पसंद नापसंद में उलझे रहे ना, तो ना करने वाले कामों में पड़ जाएंगे और करने वाले कामों को आप भूल जाएंगे। सिर्फ लोगों को तो खुश करने और उनके लिए अच्छे अमाल करने तो दुनिया में नहीं आए ना, अल्लाह ताला के लिए अच्छे अमल करने के लिए दुनिया में आए हैं। तो मखलूक का खौफ दुनिया से अपने दिल से निकाल दें और खालिक का खौफ अपने दिल में बसाएं। अल्लाह ताला की खुशनूदी और रजा दिल से निकाल कर लोगों का डर दिल में रखे हुए हैं कि लोग अगर मैं इस तरह कर दूंगा या कर दूंगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे, तो इन सब चीजों से दूर आ जाएं और थोड़ा सा अपने लिए भी जीना सीखें। आई होप के व्यूअर्स आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि लोग क्या कहेंगे। इस टॉपिक के बारे में मैंने जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है, तो ये था जी आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।